नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। यहाँ पर तीन परिक्रमा चल रही है पांडव सला की सौधर मंद के माध्यम से। पांडुक वन में पहुंच गए देवराज सौद्रविंद्र संपूर्ण परकर के साथ। वह सुमेरु पर्वत पर बनी पांडुक शिला तीन प्रदक्षिणा दे रहे त्रिलोकीनाथ भगवान को लेकर। दिव्य घोष जय जयकार हो रही, आज दसों दिशाएं चमकी महकी प्रतीत हो रही। ढोल नगाड़े के साथ वह पावन क्षण प्रथम वन भद्रशाल वन चढ़ते चढ़ते सुमेरु पर्वत की ओर, पर्वत श्रृंखलाओं की ओर।
अच्छा ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? 5 नवंबर ये भारत वसुंधरा अनादिकाल से तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के द्वारा सुशोभित होती रही है। तीर्थंकर महापुरुष वे कहलाते हैं जो विश्व में कल्याण की भावना से अवतार लेते हैं, स्वयं का कल्याण करते हुए दूसरों के कल्याण में निमित्त बनते हैं। वे धर्म के प्रवर्तक होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार चौथे काल में भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। उनमें से एक तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर नेमनाथ का भगवान का जन्म शौरीपुर में हुआ था। इसी प्रकार अन्य भी 23 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। यहाँ पर से ऋषभदेव भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों के अन्य अन्य जिन भी प्रतिष्ठित होकर के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, उसका यह पंचकरण का कार्यक्रम है, जिसमें तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इस पंच कल्याणक महोत्सव के साथ साथ विश्व शांति मार्ग का भाव रखा जाता है। जैन दर्शन का कोई भी विधान हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उन सभी कार्यक्रमों में नियम से विश्व शांति की भावना पाई जाती है। यहाँ पर भी भारतवर्ष के विभिन्न लोगों ने आकर के भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव सम्पन्न कर रहे हैं और विश्व शांति की भावना आते हुए इस महायज्ञ को सम्पन्न किया जा रहा है। संसार में शांति हो, सबको सुख की प्राप्ति हो, यही भावना इस आयोजन के पीछे छिपी हुई है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।